हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द नाइट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन। दो क्वेश्चन बहुत देर हो गया सॉल्यूशन आते आते, सॉरी इसके लिए। जो भी हो, 24 और 28 ये दो क्वेश्चन का आपको चाहिए था। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है। पूछ रहा है कि एस एन जो होता है हम लोग के पास सिमेट्रिक ग्रुप, वहां से अगर हम लोग ने एक एलिमेंट उठाया ए, ए बिलोंग्स टू एस एन, ठीक है, कोई भी आप एस एन ले लो, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड उसका एक सब ग्रुप ए एन, ठीक है, उसको ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ये सब ग्रुप होता है एस एन का, हमेशा होता है। तो आपको पूछ रहा है कि आप अगर एस एन से एक एलिमेंट लो ए, उसके बाद उसका जो सब ग्रुप होगा ए एन, उसका अगर मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू ए एन, ये क्या होगा? ये क्या हमेशा ए एन होगा, हमेशा एस एन डॉट ए एन होगा, सम इवन और ऑड परमुटेशन होगा उसमें, या मतलब क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। तो अभी देखिए, एन क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। उसमें क्या होता है? उसमें सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन होता है। मतलब एस एन में क्या होता है ना, एस एन में हम लोग के पास इवन परमुटेशन भी रहता है, ऑड परमुटेशन भी रहता है, लेकिन एन में क्या होता है, एन में सब इवन परमुटेशंस वाले आ जाते हैं, उसका जो सेट बनाता है ना वो ग्रुप फॉर्म कर देता है, वो एस एन का सब ग्रुप हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो अभी देखिए, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, ये तो आपको पता है एन। अभी ए डॉट एन हम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी एस एन में क्या होता है, इवन भी रहता है ऑड भी रहता है। तो लेट ए जो मैंने उठाया, ए बिलोंग्स टू एस एन, वो इवन हो, मतलब ए इक्वल टू एक इवन परमुटेशन मैंने उठाया, मतलब आपको एक ही लेना है फिक्स, ठीक है। एक मैंने एस एन से एक इवन परमुटेशन लेके आया, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, ए डॉट एन जब करोगे, ठीक है, ए डॉट एन जब करोगे, ये क्या होगा, मतलब ऐसा टाइप का होगा ना, एक इवन परमुटेशन है और एन में, इसमें तो सब इवन परमुटेशन ही है ना, तो आपका ऐसा टाइप का हो जाएगा ना, इवन इनटू इवन परमुटेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि ए एन में ऐसा टाइप का है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसा ऐसा करके, 4 तो नहीं होता है, जो भी हो, मतलब ऐसा एग्जांपल दिया, ये भी इवन है, ये ए इवन है, दिस इनटू इवन, ये एक इवन परमुटेशन आएगा, फिर ए इनटू ये भी एक इवन परमुटेशन आएगा, फिर दिस इनटू दिस, ये भी इवन परमुटेशन आएगा, तो ऐसा ऐसा करके सब जो बनेगा सेट, जो ए डॉट एन बनेगा सेट, उसमें भी सब इवन परमुटेशन ही आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एन ही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जब आप एस एन से एक कोई भी इवन परमुटेशन लोगे, तब उसके साथ अगर आप एन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए डॉट एन इक्वल टू एन ही आ जाएगा, क्योंकि इवेन परमुटेशन इनटू, जब आप इवेन परमुटेशन करोगे, वो इवेन परमुटेशन ही आता है। ये मैं आपको बोल देता हूं एक चीज, ये एस एन में होता है, देखिए एस एन में क्या होता है, परमुटेशन जो होता है, इवेन परमुटेशन इनटू इवेन परमुटेशन निकलता है, ऑड परमुटेशन इनटू ऑड परमुटेशन इवेन परमुटेशन निकलता है, और उसके बाद इवेन इनटू ऑड ऑड निकलता है, एंड ऑड इन टू इवन ऑड निकलता है। तो ये अगर आपको नहीं पता, आप नोट कर लो, इससे मैं बोल रहा था कि इवन इन टू इवन इवन आएगा, ठीक है, तो ए डॉट एन एन ही आ जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल से आप इसको तो डिस्कार्ड कर दोगे ना, बी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, एस एन डॉट एन, नहीं, मैंने ए इक्वल टू एक इवन परमुटेशन लिया एस एन से, तो वहां से तो ए डॉट एन इक्वल टू एन आ रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर दोगे। उसके बाद एन को आप टिक मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एन आ रहा है, लेकिन वो एग्जाम्पल से आप ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं। जो भी हो, अभी देखिए, अभी मैंने क्या केस कॉन्सिडर किया, ए को मैंने इवन उठाया है ना, अभी मैं क्या करता हूं, ए को मैं ऑड उठाता हूं, ठीक है, तो ए को मैंने जब ऑड परमुटेशन उठाया, एस एन से मैं एक ऑड परमुटेशन उठाया, उसके बाद ए डॉट एन में जब करूंगा, मतलब ए डॉट, यहाँ पे एलिमेंट्स रहेगा ए एन का,
सब इवन परमुटेशन रहेगा, है ना। तो इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है ना। तो ये इवन, सॉरी ये तो मैंने ऑड उठाया, हाँ ऑड इंटू इवन, ये मुझे ऑड परमुटेशन मिलेगा, फिर दिस इंटू दिस ऑड मिलेगा, दिस इंटू दिस ऑड मिलेगा, ऐसे ऐसे करके सब मुझे ऑड मिलेगा, ऑड परमुटेशन मिलेगा। तो मुझे जो नया सेट मिलेगा उसमें सब क्या बनेगा, ऑड परमुटेशन बनेगा, ऑड ऑड मतलब जो सेट बनेगा उसमें सब ऑड आएगा। ये आप समझ रहे हो कि नहीं, सब ऑड आएगा। तो यहाँ पे क्या ये एन बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो इस एग्जाम्पल से मैं ए ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दूंगा। ये देखिए ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड होता है, ऑड इंटू इवन ऑड होता है। तो इस एग्जाम्पल से मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि नहीं मेरा तो एन नहीं आ रहा। तो अभी देखिए मैं समराइज कर रहा हूं, अभी आप सी ऑप्शन में थोड़ा डाउट होगा आपको शायद, कि सी ऑप्शन में बोला है सम इवन और ऑड परमुटेशन, इसका मतलब क्या है, मतलब ए डॉट ए एन जो सेट बनेगा ना उसमें मतलब इवन परमुटेशन भी आएगा और ऑड परमुटेशन भी आएगा, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। मतलब आपको समझना है ये चीज, ए डॉट ए एन इज इवन और ऑड परमुटेशन, मतलब जो सेट बनेगा उसमें इवन भी आ रहा है ऑड भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूं ना, एस एन को एन एन ग्रेटर देन इक्वल थ्री वाला ना, तो मैंने एस थ्री ले लिया और एन ये ए थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए डॉट ए थ्री आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, ए डॉट ए थ्री क्या होगा, ठीक है। तो एस थ्री में कितना एलिमेंट्स होता है, छह एलिमेंट्स होता है। तो ए थ्री में कितना एलिमेंट्स होगा, ए थ्री में तीन एलिमेंट्स होगा, उसका आधा हो जाता है। तो ए को मैंने जब इवन परमुटेशन लिया, मैं समराइज कर रहा हूं अभी, ए को मैंने जब इवन परमुटेशन लिया तो ए डॉट ए थ्री क्या बनेगा, ए डॉट ए थ्री में कितना एलिमेंट्स रहेगा, ए वन ए टू ए थ्री, मैंने ऐसे नोटेशन से लिख दिया, तीन एलिमेंट्स रहेगा। तो ए वन ए टू ए थ्री, तो इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू इवन इवन, तो ये ए एन ही बन जाएगा। इससे मैं कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड किया, जो सेट बनेगा उसमें क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ही बनेगा, इससे मैंने बी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने जब ए ए को मैंने ऑड परमुटेशन उठाया, ठीक है, उसके बाद ए डॉट ए थ्री क्या बना, ए डॉट ए वन डॉट ए टू डॉट सॉरी कॉमा ए थ्री, तो ये ऑड इंटू इवन, ऑड ऑड इंटू इवन, ऑड ऑड इंटू इवन ऑड। तो मतलब हम लोग के पास जो सेट मिला उसमें तीनों एलिमेंट ऑड आ गया, ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऐसे ऑड परमुटेशन आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको, तो इससे मैंने ये ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, है ना। अभी आपको समझना है सी ऑप्शन, आप कोई भी एग्जांपल लो, एसएन में तो हम लोग के पास दो ही चॉइस है ना, आइदर इवन और ऑड, इवन लेने पर इवन परमुटेशन आ रहा है ए डॉट एन, और ऑड लेने पर सब ऑड आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग के पास दोनों ही केसेस में आइदर हम लोग के पास सब इवन परमुटेशन से ही आ रहा है, और नहीं तो जब मैंने ऑड लिया सब ऑड परमुटेशन आ रहा है। ऐसा एग्जांपल तो नहीं आया ना कि हम लोग के पास ए डॉट ए एन, मतलब ऐसा टाइप का सेट बना, यहाँ पे इवन यहाँ पे ऑड ऑड ऐसा करके इवन ऑड, मतलब ऐसा सेट तो नहीं बन रहा ना। तो आपको ये समझना है, तो इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम लोग के पास केसेस क्या बन रहा है कि आइदर सब इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ही चीज आपको थोड़ा समझना है, इसीलिए शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया है आप लोग। एनीवे थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स, 66 लोग ने आंसर किया और 77% लोग ने सही किया, और ठीक है। तो आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज आप कॉमेंट करके बोल सकते हो और एक बार, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है, ये वही बहुत ही ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, ये किसी ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन डिस्कस करने, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए पावर सीरीज, मतलब आपको एक पावर सीरीज मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसा पावर सीरीज जो z नॉट इक्वल टू 1+i में सेंटर्ड है, ठीक है। पावर सीरीज में हम लोग के पास सेंटर होता है एक पॉइंट, और
वो कॉन्वर्स कर रहा है, कॉन्वर्जेस एट एक पॉइंट दे दिया, z इक्वल टू 25 माइनस 4 आई, एंड डाइवर्जेस एट ये दो पॉइंट्स दे दिया, एक पे कॉन्वर्स कर रहा है एक पे डाइवर्स कर रहा है, तो आपको ऐसा एक पावर्स भी सोचना है, तो वो आप कैसे सोचोगे? ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पावर सीरीज, क्या ऐसा एक पावर सीरीज हम लोग को मिलेगा जो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है? अगर मिलेगा तो आंसर हो जाएगा ट्रू, और अगर नहीं मिलेगा आप बोल रहे हो तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ तो एक लॉजिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए कि पावर सीरीज का एक कॉन्सेप्ट है कि उसका अगर सेंटर है जेड नॉट, ठीक है, और हम लोग को अगर दे दिया कि वो पावर सीरीज जेड वन पे कॉन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट जेड वन पे कॉन्वर्ज कर रहा है, तो हम लोग के पास देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है सेंटर जेड नॉट, ठीक है, और हम लोग के पास बोला गया कि Z1 एक पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज कर रहा है पावर सीरीज, तो आप क्या करो, पहले इसका डिस्टेंस निकालो, Z0 और Z1 का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉइंग करो, मतलब Z0 और Z1 का जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को आप रेडियस पकड़ के आप एक सर्कल ड्रॉइंग करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉन्वर्जेंस, क्यों? क्योंकि इस सर्कल के अंदर जितना भी पॉइंट्स रहेगा हर पॉइंट में वो पावर सीरीज कॉन्वर्ज करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक पावर सीरीज सेंटर्ड एट जेड नॉट, अगर आपको बोला गया है कि वो पावर सीरीज जेड वन पॉइंट पे कॉन्वर्ज करता है, तो यहां से आप क्या कह पाओगे कि जेड नॉट और जेड वन का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके आप अगर एक सर्कल ड्रॉइंग करोगे, उस सर्कल का हर पॉइंट पे वो पावर सीरीज कॉन्वर्ज करेगा, हर पॉइंट पे पावर सीरीज कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं कि जेड माइनस जेड नॉट लेस देन मॉडुलस ऑफ ये डिस्टेंस, जेड नॉट और जेड वन, ये जो रेडियस है इस रेडियस का हर पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा, मतलब हर पॉइंट इसमें जो भी आप पॉइंट ले लो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है कि ठीक है पावर सीरीज बोला गया है और z नॉट इक्वल टू वन प्लस आई बोला गया है ना, z नॉट इक्वल टू वन प्लस आई बोला गया है और कॉन्वर्जेंस बोला गया है 25 माइनस 4 आई ये पॉइंट पर, तो ये यहाँ पे मैंने जेड सी नोट कर दिया। तो आपको क्या करना है, पहले जेड नॉट और जेड सी का डिस्टेंस निकाल लो, वही ये मतलब कंडीशन आप वेरीफाई कर लो ना कि हाँ ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आप चेक कर सकते हो कि z नॉट माइनस जेड सी जब आप निकालोगे, ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई माइनस 25 माइनस 4 आई जब करोगे, आपको ऐसा मॉडुलस ऑफ माइनस 24 प्लस 5 आई मिलेगा, और मॉडुलस ऑफ a प्लस आई भी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ऐसा करके आप जब ऐसा कैलकुलेट करोगे तब रूट ओवर 601 आएगा। ठीक है, मतलब z माइनस जेड नॉट का जो सर्कल बनेगा रेडियस 601, इसके हर पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा, हर पॉइंट पे। ठीक है, अभी हम लोग के पास और एक स्टेटमेंट मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि z नॉट सेंटर लेके और एक पॉइंट दिया हुआ है 15 प्लस 21 आई, उस पे डाइवर्ज कर रहा है ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसका डिस्टेंस निकालते हैं, z नॉट और z डी का डिस्टेंस निकालो, तो z नॉट और z डी का जब मैंने डिस्टेंस निकाला 1 प्लस आई माइनस 15 प्लस 21 आई, ऐसा आप करोगे तब मुझे रूट ओवर 596 मिला। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मेरा गलत भी हो सकता है जो भी, लेकिन आपको ना रूट ओवर पहले वाले में क्या मिला 601 और सेकेंड वाले में क्या मिला रूट ओवर 596, तो ऑब्वियसली रूट ओवर 596 तो लेस देन रूट ओवर 601 होगा ना। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहां से हम लोग को मिल रहा है कि जेड नॉट एक पॉइंट है, जेड नॉट एक पॉइंट है, उस पे रूट ओवर 601 का जो रेडियस फॉर्म करके हम लोग के पास सर्कल बनेगा, इसका हर पॉइंट पे मतलब कॉन्वर्ज करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर बोल रहा है कि रूट ओवर 596 जो रेडियस, मतलब 596 तो इसके अंदर रहेगा ना, इसके अंदर रहेगा, तो उस पॉइंट पे डाइवर्ज कर रहा है बोल रहा है, उस पॉइंट पे डाइवर्ज कर रहा है, तो ये ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, वो उस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल पाएंगे कि ऐसा पावर सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि समझ में आएगी नहीं आपको,
601 के अंदर हर पॉइंट में कन्वर्ज करेगा, तो वहां पे रूट जो जेड मतलब और एक पॉइंट जो दिया हुआ है 15 + 21 i, वो तो उस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। क्यों? मैंने रेडियस निकाला, रेडियस तो कम है ना 60 √601 से, तो अंदर लाई कर रहा है, तो अंदर पे तो कन्वर्ज करना है, डाइवर्स कैसे हो जाएगा? तो उस हेंस दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो देयर कैनॉट एग्जिस्ट अ पावर सीरीज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो ये जो आंसर आएगा हम लोग के पास फॉल्स आएगा, वही सिंपल लॉजिक है। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, 47 लोग ने आंसर किया। तो यही था आज का दो क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप कॉमेंट करके बोल सकते हो, हम लोग डिस्कस कर पाएंगे फर्दर। तो वही अच्छा लगे, कुछ भी नया सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले, तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। वही थैंक यू फॉर योर टाइम, सॉरी अगर कुछ भी गलती बात हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से। मिलता है।